कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबरें हैं वो खास तौर से सोयाबीन से जुड़ी हुई हैं कि सोयाबीन के रकबे में लगभग 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज करी गई है। तो सोयाबीन से जुड़ी इस खबर के बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। तो खबरें ये हैं कि सोयाबीन की बुआई में अभी भी अच्छी खबर सामने आ रही है। 13 अगस्त तक बुआई आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले सोयाबीन के रकबे में लगभग 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज करी गई। अगर बुआई और भी बढ़ती है तो आने वाले दिनों में खासकर सितंबर के अंत में और अक्टूबर की मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। और अक्टूबर की मंडियों में नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से कीमतें और भी गिर जाएंगी। फिलहाल सोयाबीन का दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा देखा जा रहा है, जबकि MSP 4,300 रुपए प्रति क्विंटल ही नजर आ रही है। सोयाबीन की पैदावार अगर इस वक्त अच्छी रहती है तो वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल खास तौर से पाम ऑयल की कीमतों में नरमी आएगी, क्योंकि भारत अपनी कुल जरूरत का तकरीबन 60% खाद्य तेल आयात करता है और देश में खाद्य तेल के भाव अभी भी काफी ऊंचे चल रहे हैं और चंद महीने में पहले तो भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन उनमें फिलहाल देखा जाए तो अब थोड़ी बहुत नरमी नजर आ रही है। इस वजह से आयात पर भारत की निर्भरता है और वैश्विक स्तर पर कीमतें अगर बढ़ी रही तो यहाँ से बाजार में और भी तेजी जरूर नजर आएगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और साथ ही खाद्य तेल बाजार से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।